हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आए शिवपुरी। दोस्तों, यहां पर पूरे 525 शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों, ये शिवपुरी धाम राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और दोस्तों, इन शिवलिंगों में से कुछ शिवलिंग इतने बड़े हैं जिनका वजन 14 टन के करीब है। तो दोस्तों, कितने बड़े बड़े शिवलिंग है यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे शिवलिंग स्थापित है इस पूरे के पूरे एरिया में। आइए घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, यहाँ के एक संत भगवान शिव जी के दर्शन करने नेपाल काठमांडू गए थे। उस दौरान उन संत जी ने वहाँ पर लोगों को छोटे छोटे शिवलिंगों पर जल चढ़ाते देखा। तभी इन संत जी ने वहाँ पर एक संकल्प लिया कि मैं यहाँ से अपने आश्रम जाऊँगा और वहाँ पर 525 शिवलिंगों को की स्थापना करूँगा। और दोस्तों, फिर महाराज जी ने यहाँ पर 525 शिवलिंगों की स्थापना की। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि महाराज जी ने जैसे यहाँ पर 525 शिवलिंगों की स्थापना की, उसके कुछ समय बाद महाराज जी देवलोक के या स्वर्ग पधार गए। दोस्तों, इन 525 शिवलिंगों को मिलाकर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है। और अभी दोस्तों, यहाँ पर इन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो कितने शिवलिंग, मतलब एक के बाद एक शिवलिंग की स्थापना करी गई। और आप सोचो कितना समय लगा होगा इन्हें बनाने में, इन्हें स्थापित करने में। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, आप इतने शिवलिंगों की पूजा लोग यहाँ करते हैं। और लोग, कई लोग तो क्या करते हैं, मैंने यहाँ देखा है कि जैसा एक बड़ी बाल्टी लेते हैं और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक एक शिवलिंग के जल चढ़ाए जाते हैं। तो आप आना यहाँ को, यहाँ पर आपको एक अलग ही सीन या अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। और दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि इन शिव जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, इनकी पूजा की जाती है, मगर अभी क्या है, इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इस एरिया में ज़्यादा लोगों को आने नहीं दिया जाता है। इस वजह से अभी पूजा नहीं करते हैं इनकी। बाकी कुछ ही समय में यहाँ पर ये मंदिर का कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर से इनकी पूजा होने लगेगी। तो ये अध्यात्म और सुकून से भरा शिवपुरी धाम, अगर आप भी कभी यहाँ कोटा आते हो तो मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ शिवपुरी धाम जरूर पधारे। आपको यहाँ पर चैन, सुकून, शांति की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपका कोटा आना हो तो आप जरूर भी यहाँ आइए और आपको एक अलग ही वेब्स मिलेगी यहाँ पर। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लगता है, ये लाल बटन तो दबाना यार, दबा दिया करो, उसमें क्या है यार। दोस्तों, यहाँ महाशिवरात्रि के दिन बहुत लोग आते हैं शिव जी के दर्शन करने, और बहुत ही अच्छा दृश्य होता है जिस दिन का यहाँ पर।